गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू जेनेटिक्स क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रीनेटल डायग्नोसिस विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर. तो इसके अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, क्या है कैसे है. तो इंट्रोडक्शन देखिए, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जिसका रेगुलेशन प्रिवेंशन जो है वो अगर उसका मिसयूज़ हो रहा है तो उसके एक्ट 1994 के तहत इसके ऊपर चीज़ें बनी थी, जिसको रिवाइज़ किया गया था अप्रैल 2003 के अंदर, कि इसका कोई भी मिसयूज़ वगैरह ना किया जा सके. मतलब जो कन्या भ्रूण लिंग जांच जो चल रही होती है, जो एक गलत मिसयूज़ है इस टेक्निक का, तो उसके रोकथाम के लिए सब चीज़ें बनाई गई. प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जिसमें सेक्स सिलेक्शन को प्रोहिबिट किया गया है इंडिया के अंदर. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ को या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ है उनको डायग्नोस किया जाता है जो अर्ली एम्ब्रियो और फीटस में दिखाई दे रही होती है, ताकि हम प्रीनेटल काउंसलिंग कर सकें और जो भी अप्रोप्रिएट उसका कोई इंटरवेंशन है, कुछ ट्रीटमेंट है, कुछ है कोई उसको ठीक करने का रोकने का तरीका, तो हम काम में ले सकें. ये टाइम प्रेगनेंसी के टाइमली टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का करवा देती है. मतलब सही समय पर उसका टर्मिनेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो वेस्टेज और पेरीनेटल मोर्टिलिटी की रेट को जो है हम रोक सकते हैं, माँ की मृत्यु दर बीमारी दर को हम कम कर सकते हैं इसके थ्रू. गोल क्या है प्रीनेटल डायग्नोसिस का? इज नॉट टू जनरेट परफेक्ट बेबीज. द गोल ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस इज नॉट टू जनरेट परफेक्ट बेबीज. देर आर नो परफेक्ट ह्यूमन स्पेसिमेंस. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई परफेक्ट बेबी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट ह्यूमन स्पेसिमेन कोई नहीं होता. हम सब में कुछ ना कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स रहती ही हैं. प्रीनेटल डायग्नोसिस जो है वो अलाउड करता है कि टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके ऐसी किसी कंडीशन को जो नुकसानदायक है, तो जो टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट है वो जन्म से पहले या जन्म के तुरंत बाद उसको मिल सके. पेरेंट्स ये डिसीज़न ले सकें कि उनको वो फीटस चाहिए या वो उसको अबॉर्ट करवाना चाहते हैं अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी डायग्नोज हो गई है, और पेरेंट्स साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रह सके, साइकोलॉजिकली, सोशली, फाइनेंशियली और मेडिकली उस बेबी के को लेकर के, जिसमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या डिसेबिलिटी है उसको लेकर के वो प्रिपेयर रह सकें, और प्रेगनेंसी के क्या आउटकम हो सकते हैं वो हम उनको बता सकें. अब इंडिकेशंस क्या हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस के? एडवांस्ड मैटरनल एज अगर है तो एक बार ये डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए, क्योंकि एडवांस मैटरनल एज वो फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए. हाई मैटरनल एज सबसे कॉमन फैक्टर, लगभग सभी जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में ये जुड़ा हुआ रहता है. इसके अलावा कोई ऐसी लेडी है जिसका प्रीवियस चाइल्ड किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से गुजर चुका है, उसमें पाई गई है, तो उसको भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए. या वेमेन जो कि मल्टीपल्स मतलब प्रेग्नेंट हो रही है, मल्टीपल प्रेगनेंसी जिसके अंदर जैसे ट्विन्स या उससे ज़्यादा बच्चे उसके वॉर्म के अंदर डेवलप हो रहे हैं, यूट्रस में डेवलप हो रहे हैं, तो उसको भी ये डायग्नोसिस लेना चाहिए. किसी में सिंगल जीन डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री चल रही हो, न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री चल रही हो, या कोई कंजेनाइटल यानी जन्मजात स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी की कोई फैमिली हिस्ट्री चल रही हो, तो ऐसे लोगों को भी ये डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए. कोई एबनॉर्मेलिटी प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाइड हो रही है, या वुमेन में पहले से कोई मिसकैरेज हो चुका है, या कोई दूसरे हाई रिस्क फैक्टर जैसे कॉन्सन्गुइनिटी. कॉन्सन्गुइनिटी क्या होता है? मैरिज इन ब्लड रिलेशन जैसी चीज़ देखी जा रही हो, पुअर ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन हो, मैटरनल इलनेस हो, माँ बीमार रहती हो, तो ऐसे लोगों को भी डायग्नोस करवा लेना चाहिए. अब प्रीनेटल डायग्नोसिस के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? तो इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं. इन्वेजिव में एमनियोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस, CVS, बायोप्सी फ्रॉम फीटल टिश्यू और कोलियोसेंटेसिस आता है. नॉन इन्वेजिव में अल्ट्रासोनोग्राफी, USG, MRI, सेल फ्री फीटल DNA और ट्रिपल टेस्ट. तो ये टोटल इतने टेस्ट जो हैं आप जनरली, इसके अलावा जैसे फीटोस्कोपी हो गया, फीटल ब्लड सैम्पलिंग, कॉर्ड ब्लड सैम्पलिंग, मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग,
प्री इम्प्लांटेशन टेक्निक, टेक्निक यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह भी अपन यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एमनियोसेंटेसिस डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर सर्टेन कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। इट इज़ यूजअली परफॉर्म्ड बिटवीन द 13th एंड 15th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपन इसको परफॉर्म करवाते हैं। ये पॉइंट लिखा हुआ है, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब बिटवीन द 13th एंड 15th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एक्चुअली इन दिस प्रोसीजर अ केयरफुल इवेल्युएशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लासेंटा एंड फीटस इज डन विद द एन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से पहले आप बच्चे का प्लासेंटा और फीटस का लोकेशन पहले अच्छे से पता कर लीजिए। उसके बाद एक थिन हॉलो निडल लीजिए जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अ थिन हॉलो निडल इज इंसर्टेड इन टू वुमेंस यूट्रस थ्रू द एबडोमिनल अंडर लोकल एनेस्थीसिया गाइडेड बाय द अल्ट्रासाउंड अवॉइडिंग डैमेज टू प्लासेंटा एंड द फीटस। मतलब एक थिन हॉलो निडल लोकल एनेस्थीसिया एबडोमेन पे लगाने के बाद एबडोमेन के थ्रू अंदर इंसर्ट करवाइए यूएसजी में देखते हुए कि ताकि प्लासेंटा और फीटस में कोई डैमेज ना हो। और लगभग 10 से 20 ml का एमनियोटिक फ्लूड आप एस्पायरेट कर लीजिए। फिर इस फ्लूड को आप सेंट्रीफ्यूज करिए जिसमें से सेल को सेपरेट कर लीजिए। इन सेल्स को कल्चर करिए ताकि आप उसकी कैरियोटाइपिंग स्टडी कर सकें। और फिर फ्लूड का बायोकेमिकल टेस्ट आप करिए तो आपको बहुत सारे सबस्टांसेस जैसे कि अल्फा फीटो प्रोटीन, कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन और दूसरी कुछ चीज़ें भी आपको पता चलेगी। आपको इस फ्लूड में फीटल सेल्स फ्लोट होती हुई दिखाई देंगे, उनको भी आप एनालाइज कर सकते हो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी को डिटेक्ट करने के लिए। और 100 से भी ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एनाटॉमिक डिफेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देयर इज़ अ लो रिस्क लेस देन 1 in 200 लो रिस्क ऑफ मिसकैरेज जो आपके लिखा हुआ है। तो 300 या 500 वेमेन में से एक में ही मिसकैरेज की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही होती है। रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट आर रेडी इन 1 to 3 weeks, 1 to 3 weeks में आपके रिजल्ट जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी टेक्निक मानी जाती है एमनियोसेंटेसिस, जिसमें अपन ने एमनियोटिक फ्लूड निकाल करके उसकी स्टडी करी है। ठीक है, इतना एमनियोसेंटेसिस है बोलकर मैंने आपको बता दिया। अराउंड 10 to 20 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इज एस्पायरेटेड, द फ्लूड इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट द सेल्स। The cells are then cultured for further karyotyping studies and the fluid is subjected to various biochemical tests for the detection of substances like the alpha fetoprotein, carcinoma embryonic antigen and others. Fetal cells floating in the fluid can be analyzed to detect chromosomal abnormalities, more than 100 metabolic disorders and some anatomic defects. तो ये लाइंस मैंने आपको बोल करके बताई है, जो आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं और बाकी मेरा बोला हुआ पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड है कोरियोनिक विल्लस सैम्पलिंग, आल्सो नोन एज कोरियोनिक विल्लस बायोप्सी। CVS इज जनरली परफॉर्म्ड अबाउट द 8th or 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज परफॉर्म्ड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट। CVS रिक्वायर्स टेकिंग अ स्मॉल पीस ऑफ द कोरियोनिक विल्लाई बिकॉज इट इज़ अ स्पेश इट इज़ यूज अ स्पेशलाइज टेक्निक जिसमें हम कोरियोनिक विल्लाई के स्मॉल पीसेज लेते हैं। Either a needle is inserted through the abdomen or a slim tube is inserted through the vagina to take a tiny tissue sample from outside the sac where the baby develops. The tissue is analyzed for chromosome disorder or various genetic counseling. Results are usually ready in 1 to 2 weeks. CVS is not routinely offered to all pregnant women because our test carries a risk of miscarriage. भी देखिए CVS में अपन 8 से 11वें हफ्ते के बीच में अपन ये ले सकते हैं सैंपल, जिसमें आपको या तो पतली निडल एब्डोमेन से इंसर्ट करनी है या वेजाइना के रास्ते से आप स्लिम ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर टाइनी टिश्यू का सैंपल आप सैक के आउटसाइड से ले लीजिए, जहाँ बेबी डेवलप हो रहा है ना उसका जो सैक है उसके बाहर से आप टाइनी टिश्यू का सैंपल ले लीजिए।
इस टिश्यू को आप एनालाइज करिए तो आपको क्रोमोसोम डिसऑर्डर, जेनेटिक कंडीशंस बहुत तरह की वो पता चल जाएंगी। रिजल्ट्स 1 से 2 हफ्ते में आ जाएगा। CVS रूटीनली सभी प्रेग्नेंट वीमेन पे क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि मिसकैरेज का रिस्क है, जैसा हमने एमनियोसेंटेसिस में पढ़ा। पॉसिबली दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें देखे जा सकते हैं, पर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि ये गेस्टेशन के मच अर्लियर पीरियड में हो रहा है। एमनियोसेंटेसिस तो अपन ने 13वें से 15वें हफ्ते में किया था, ये तो 8 से 11वें हफ्ते में भी कर सकते हो, तो बहुत जल्दी आप कर सकते हो एमनियोसेंटेसिस के कंपैरिजन में। इसमें सेल्यूलर यील्ड भी एमनियोसेंटेसिस से ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है, और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन भी आप सेफर करवा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी करवा लोगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से टर्मिनेट करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डायग्राम में दी हुई है और मैंने आपको बोल करके बता दी हैं। थर्ड, कॉर्डोसेंटेसिस। थर्ड टेक्निक इज कॉर्डोसेंटेसिस। इसको अपन PUBS भी कहते हैं। प्रेगनेंसी के 18वें हफ्ते में ये करवाया जाता है। 100 में से केवल 2 ही विमेन ऐसी होती है जिसके अंदर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और इसको PUBS कह रहे हैं। क्या है ये? अम्बिलिकल वेन सैम्पलिंग। एक्चुअली अम्बिलिकल वेन सैम्पलिंग भी इसको कहते हैं। इस प्रोसीजर में फाइन निडल को आप मदर के एब्डोमेन के थ्रू पास करेंगे, फीटल वेन में, अम्बिलिकल कॉर्ड की फीटल वेन में आप डालेंगे। दिस टेक्निक अलाउज फीटल ब्लड टू बी टेस्टेड। तो इससे फीटल ब्लड आएगा, उसको आप टेस्ट कर सकते हो। फैसिलिटेट्स इंट्रा यूटराइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे आप यूट्रस के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हो। एंड इनेबल्स ड्रग्स टू बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द बेबी इफ़ नेसेसरी। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को कोई ड्रग की ज़रूरत है तो वो भी आप डायरेक्ट उसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया कॉर्डोसेंटेसिस। नेक्स्ट है फीटल टिश्यू बायोप्सी। फीटल टिश्यू बायोप्सी 17वें से 20वें हफ्ते में करवाया जाता है गेस्टेशन के। 1000 में से केवल 1 विमेन में ही कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, बाकी ये काफ़ी सेफ टेक्निक है। ठीक है, इसके बाद कोलोसेंटेसिस परफॉर्म किया जाता है 10वें हफ्ते में, या सीलोसेंटेसिस भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें सिलोमिक स्पेस जो है एमनियोटिक मेम्ब्रेन और यूटेराइन कैविटी के बीच में पाया जाता है, वहाँ से आपको जो है सैंपल लेना है। इसमें फीटल लॉस होने के चांसेस जो है एमनियोसेंटेसिस कंपैरिजन में 0 रहता है, तो अच्छी टेक्निक है ये भी सीलोसेंटेसिस। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक इसको अपन कहते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड वेव्स का इसमें यूज़ किया जाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 से 12 मेगाहर्ट्ज़ होती है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को इसमें आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो लगभग गेस्टेशन के 6ठे हफ्ते के अंदर। अल्ट्रासाउंड बहुत यूज़फुल है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन क्या है? एक तो फीटस और प्लेसेंटा के लोकल लोकेशन को आप पता कर सकते हो, तो पहला तो आपको लोकेशन पता चल जाती है। दूसरा जो है इसमें गेस्टेशनल एज आप एकदम अच्छे से एसर्टेन कर सकते हैं, एसर्टिंग द गेस्टेशनल एज उसका पता लगा सकते हैं। और कोई भी कंजेनिटल डिफेक्ट उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जैसे एनसेफेली है, स्पाइना बाइफिडा है, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेलस, मेनेंजियोसील, मेनेंजियोमाइलोसील और कोई भी दूसरे डिफेक्ट है वो भी आपको एकदम क्लियर इसमें दिखाई दे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है USG भी। MRI, नेक्स्ट MRI करवा सकते हैं अपन। MRI को अगर आप अल्ट्रासाउंड के साथ में करवाते हो तो 18वें हफ्ते गेस्टेशन में आप करवा सकते हो, ये भी एक रिस्क फ्री मेथड ही माना जाता है। नेक्स्ट है सेल फ्री फीटल DNA। सेल फ्री फीटल DNA के अंदर अपन क्या करते हैं, फीटल DNA जो सर्कुलेट होता रहता है मेटल ब्लड सीरम के अंदर, वो आप लेते हैं वेनी पंक्चर से, माँ के वेनी पंक्चर से आप सैंपल ले लीजिए। सेल फ्री फीटल DNA सबसे पहले ऑब्जर्व होता है 7वें हफ्ते में गेस्टेशन के, और सेल फ्री फीटल DNA का अमाउंट जो है फिर वो लगातार बढ़ता रहता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही होती है उसके साथ में ही। नेक्स्ट है ट्रिपल टेस्ट, जिसको आप डबल टेस्ट या क्वाड्रपल टेस्ट भी कह सकते हैं। ट्रिपल टेस्ट में अपन एल्फा फीटो प्रोटीन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, SCG AFP और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियॉल
ऑयस्ट्रियोल, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है UE3, ऑयस्ट्रियोल को O से लिखा जाता है। तो इन तीनों को आप जो है वो देखते हैं, चेक कर रहे होते हैं। तो AFP E3 SCG, ये ट्रिपल टेस्ट है, 70% में ये किया जाता है। इसके अलावा इनहिबिन ए का भी टेस्ट किया जाता है, अगर ये चारों दिख जाता है तो वो क्वाड्रपल टेस्ट कराता है, 76% में इसको किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट की स्क्रीनिंग में फीटल डिसऑर्डर्स में आपको ओपन एनटीडी अगर किसी पर बच्चे को है तो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ावा दिखाई देगा। UE3 में कोई चेंज नहीं होता, बीटा एससीजी में भी कोई चेंज नहीं होता, इनहिबिन में भी चेंज नहीं होता। डाउन सिंड्रोम है तो अल्फा फीटोप्रोटीन कम मिलेगा, UE3 भी कम मिलेगा, बीटा एससीजी बढ़ा हुआ मिलेगा और इनहिबिन ए भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ट्राइसोमी 18 हुआ है तो अल्फा फीटो प्रोटीन कम है, UE3 भी कम रहेगा, बीटा एसीजी भी कम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इनहिबिन ए में भी कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। तो मतलब आप इसके बेसिस पर डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे में कौन सा डिसऑर्डर है। अल्फा फीटो प्रोटीन जो है, अगर आप अकेला इसको स्क्रीन करना चाहते हैं तो 16वें से 8वें हफ्ते के अंदर भी आप कर सकते हो और एक हफ्ते में इसका रिजल्ट आ जाता है। इस रिजल्ट में आप प्रेगनेंसीज के हायर रिस्क जो है वो सीरियस कोई बर्थ डिफेक्ट जैसे स्पाइनल बायफिडा वगैरह मैंने आपको बता दी, डाउन सिंड्रोम वगैरह आपको जल्दी पता चल जाते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन एक्चुअली एक सबस्टांस है जो कि फीटस के लीवर में प्रोड्यूस होता है। स्मॉल अमाउंट AFP का जो है वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में पास हो जाता है, जिसको आप प्रेगनेंसी के दौरान मेजर कर सकते हो मदर ब्लड से या एमनियोटिक फ्लूइड से लेकर के भी, जो आपको बर्थ डिफेक्ट के डायग्नोस करने में हेल्पफुल नहीं होता, पर ये इंडिकेट कर देता है कि इसके रिस्क बढ़ रहे हैं, जैसे न्यूरल ट्यूब वगैरह का आपको पता चल जाता है जो अभी अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा भाई मैं आपको बताऊं कुछ और टेस्ट हैं जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, जैसे फीटोस्कोपी है, इसमें फाइबर ऑप्टिक सेल्फ इल्यूमिनेशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इन यूट्रो फीटस के विजुअलाइजेशन के लिए। ये एमनियोटिक कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया लगा करके, लगभग 18वें से 22वें हफ्ते के बीच में अपन ये टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस क्या है, मोस्टली ये डन किया जाता है कंसेप्टस में, जो कि IVF के थ्रू अगर अपन कोई कंसेप्टस डेवलप कर रहे हैं, IVF टेक्नोलॉजी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, इसमें फर्टिलाइज ओसाइट जो है उसको 8 सेल ब्लास्टोसिस स्टेज तक तो पहले अपन डेवलप होने देते हैं, फिर उसमें से सिंगल ब्लास्टोमियर रिमूव करते हैं, उस सेल में से DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस DNA को एम्पलीफाई करते हैं कई कॉपीज तक विद द हेल्प ऑफ PCR एंड थ्रू अ जेनेटिक एनालिसिस इज मेड। फिर उसका जेनेटिक एनालिसिस करोगे, अगर कंसेप्टस जो है वो फ्री ऑफ एनी जेनेटिक एरर है तो आप उसको मदर में इम्प्लांट कर दीजिए। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी अपने प्रीनेटल डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल होती है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स का इसमें पता चलता है। वैरायटी ऑफ DNA प्रोब्स इसमें आजकल अवेलेबल हैं इस पर्पस के लिए, जिससे अपन प्रीनेटल डायग्नोसिस हीमोग्लोबिनोपैथीज वगैरह का कर सकते हैं। खत्म। अब ये प्रीनेटल डायग्नोसिस की एप्लीकेशंस क्या है, इसमें मैटरनल सीरम की स्क्रीनिंग की जाती है, जैसे फीटोप्रोटीन अल्फा फीटोप्रोटीन अभी मैंने पढ़ाया आपको, एस्ट्रियोल SCG वगैरह को आप दे सकते हो। अल्ट्रासोनोग्राफी से आप बच्चे के स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी का पता लगा सकते हो। एमनियोसेंटेसिस से फीटोप्रोटीन, एस्ट्राइल कोलिन एस्ट्रेज, क्रोमोसोमल एनालिसिस, बायोकेमिकल एनालिसिस सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट कोरियोनिक वाले सैम्पलिंग जो है उसे DNA एनालाइज कर सकते हो, क्रोमोसोम और बायोकेमिकल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। फीटल ब्लड सैम्पलिंग से क्रोमोसोमल एनालिसिस और DNA एनालिसिस किया जा सकता है। ये समरी। कॉमनेस्ट इंडिकेशन है प्रीनेटल डायग्नोसिस का, जब किसी माँ की एज काफ़ी ज़्यादा है तो उसको ये करवाना चाहिए। क्रोमोसोम की कोई फैमिली हिस्ट्री चल रही है, सिंगल जीन स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी की या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो ये डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस है कि अधिकतर मोस्ट प्रीनेटल डायग्नोसिस फाइंडिंग्स इज क्लियर, आपको क्लियरली पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर से भी आप ये कैरिड आउट करवा सकते हैं, जैसे कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन से NTD ट्रिपल टेस्ट, डाउन सिंड्रोम के लिए USG, स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी के लिए आप कर सकते हो। इन्वेजिव प्रोसीजर में एमनियोसेंटेसिस CVS वगैरह आते हैं, जिससे आप क्रोमोसोम या सिंगल जीन डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। इन्वेजिव प्रोसीजर कन्वे स्मॉल रिस्क ऑफ मिसकैरेज, 0.5 से 1% चांसेस ही होती है एमनियोसेंटेसिस में डेथ के, और CVS में केवल 2 से 3% चांसेस ही होते हैं कि बेबी जिंदा ना रहे, अदरवाइज सेफ हैं ये टेक्निक्स। बस
इसके साथ ही आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक चीज़ और बता दूं कि ये जितने प्रीनेटल डायग्नोसिस है वो करवाने से पहले आपको चाहिए कि आप जो मैरिड कपल्स हैं जिनमें आप ये करवाने वाले हो उनको आप पहले पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझाएं, उनको बताएं, उनकी काउंसलिंग करें और उनका एग्रीमेंट लें। उनको आपको फोर्स नहीं करना है, अगर वो अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं टेस्ट तो ही आप ये टेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और स्किल्ड हैंड से ही आप ये करेंगे। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो सीखने के लिए नहीं करिए, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है और माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।